माताओं को जो मैं बात कह रहा था वो ये है, बच्चों को जब नींद से उठाओ तो उन्हें तीन संकल्प कराना है। अब लिख लो जिनके घर में छोटे बच्चे हो, पोते हो, मैं बुद्धिमान हूं, बुद्धि बन जाएगी, बुद्धि सबके पास होती है, वो लोक हो जाती है, बंद हो जाती है। मैं बुद्धिमान हूं, नींद में बुलवा देना, मैं चरित्रमान हूं, मैं एकाग्र चित्त हूं। स्टूडेंट कौन कौन बैठे हैं, बचे हुए स्टूडेंट हाथ उठाओ, लौकिक स्टूडेंट, माता नहीं लौकिक स्टूडेंट, विद्यार्थी हाथ उठाओ, छोटे विद्यार्थी भी हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। सुनो एक सुंदर रहस्य की बात सुन लो, अभी किसी को जाना तो नहीं, जाना हो तो अभी भी जा सकते, किसी को नहीं माता जी क्यों उठ रही हो, ठीक नहीं, मुझे नहीं लगता ठीक, आराम से अब आप दूसरों को भी सिखाएंगे। एक विद्यार्थी मेरे पास आता है, दो पेज ज्यादा आते हैं विद्यार्थियों के, मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूं, गणित नहीं, गणित बहुत भारी है, मेरा मन नहीं लगता, बोर होता हूं, समझ में नहीं आता। अब गणित में नंबर कम हो जाए तो पूरे नंबर टोटल बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा आता है इंग्लिश बहुत कमजोर है मेरी, कई तो परेशान रहते हैं, अंग्रेज चले गए, ये अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए, मुसीबत हो गई, ना होती तो कितना अच्छा होता। अब ऐसे बच्चों को ठीक करना है, हमें होशियार करना है, भाई लोग भी सब ध्यान से सुन लेंगे, आप सब ये सिखाएंगे अपने इस बच्चों को, पोतों को, क्योंकि वो बच्चा बार बार सोच रहा है इंग्लिश बहुत कठिन है, मुश्किल है, मैं इसमें बहुत इंग्लिश में से आती नहीं, अब ये बार बार सोचने से क्या हो रहा है, माता इधर उधर नहीं देखेंगी, मिस हो जाएगी, ये गहरी बात है, दुनिया में कोई नहीं जानता इसे, सुन लो ध्यान से फिर से, इंग्लिश में ये बहुत कमजोर है, मैं इसमें बहुत कमजोर हूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता, बोर करती है मुझे। तो जो अंग्रेजी के लिए ब्रेन में केंद्र है ना, ये ब्रेन बहुत सुंदर चीज है, इसमें हर चीज के लिए अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, जैसे मोबाइल में अलग अलग पॉइंट है, सेल्फी लेनी ये दबा के, सामने से फोटो लेना ये दबा दो, मूवी निकालनी है वो ये दबा दो, ऐसे ब्रेन में भी ऐसे केंद्र है। तो जैसे वो विद्यार्थी सोच रहा है मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, ये मेरे समझ में नहीं आता, मैं तो इसमें बोर होता हूँ, तो उसका वो केंद्र धीरे धीरे बंद हो रहा है, तब हमें इसे खोलना है, वो संकल्प से बंद हुआ है, वो संकल्प से ही खुलेगा। मैंने कई लोगों से प्रयोग कराए, वो सफल प्रयोग हुए, ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत जल्दी सफल हो गए, हमने उसको सिखाया, तुम मैथमेटिक्स गणित गणित में कमजोर हो, आज से उठते ही संकल्प करना, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको पसंद करती हूँ, करता हूँ, मैं इसमें बहुत होशियार हो जाऊंगा, बस ये संकल्प जो किए वो खुल जाएगा। एक लड़की का बहुत अच्छा हो, 12वीं की परीक्षा दे रही थी, 11वीं में उसके 28 नंबर आए थे, ले दे के पास करा दिया था। अब उसकी जो टीचर थी ना, वो कोचिंग करने जाती थी, वो ज्ञान वाली है, उसको ये सब आता था, उसने उसको ये अभ्यास कराए, इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश से बहुत प्यार करती हूँ, ये तो बहुत सरल है, मैं इसमें बहुत जल्दी होशियार हो जाऊंगी, रोज वो उसको कराने लगी ट्यूशन लेने से पहले, और 12वीं में उसके अंग्रेजी में आए उल्टे हो गए, 28 से 82, सच्ची घटना है, 3 साल पहले। तो
संकल्प से ही उल्टा हो रहा है, संकल्प से ही संकल्प ठीक होगा। सभी अपने को चेक करेंगे, जो बार बार ये कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, संकल्प को बदलो, मैं बहुत खुश हूं, सही बहुत खुश हूं, मेरे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं। आप खुलते ही से भगवान मिलता हो। अब बस लास्ट बात कर देता हूं, क्लियर है ना संकल्प।